हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने ये जो डबल कोटेड ब्लाउज ये कटिंग करके दिखाया था, आज मैं स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। ये है ऑन साइड और ये है ऑफ साइड। तो अभी ये जो पार्ट है इसको इस तरह से रखना है, ये कोटोरी पार्ट है। उसके बाद इसको बिल्कुल मिडल में से हल्का सा चौक से पॉइंट देना है। मैं बिल्कुल मिडल में से ये स्टिच लगाऊंगी, इस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मैं। अगर आपको पहले प्रॉब्लम होता है तो आप 0.5 इंच का इस तरह से पॉइंट दीजिएगा। जहाँ तक ये पॉइंट है बिल्कुल पॉइंट बराबर इसमें स्टिच लगा लेना है। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसमें अस्तर भी लगा सकते हो। अस्तर आपको सेम तरीके से काटना है। काटने के बाद पहले इसको एक साथ जोड़ लेना है, उसके बाद स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहो तो अस्तर को अलग अलग भी स्टिच कर सकते हो। तो अभी मैं बिल्कुल मिडिल में से ये स्टिच लगाऊँगी। इस तरह से मिडिल में से लगाने से परफेक्ट होता है, कहीं से भी कम नहीं होता है, इसलिए मैं मिडिल में से ये स्टिच लगाती हूँ। और उसके पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। अभी इसका जो ये जो मिडल है, मिडल में से हल्का सा काट लगाना है। इस तरह से काट लगा के देना है। मैंने काट लगा लिया तो अभी इसको पलटती हूँ। देखिए ये जो कटोरी है ये तैयार हो गया। अभी इसमें सिर्फ डांट लगाना है, तो डांट के लिए अभी पॉइंट देना है। तो मैं फैब्रिक को इस तरह से पलटूँगी। तो उसके पहले बिल्कुल मिडल में से चौक से पॉइंट देना है। पॉइंट देने के बाद ये जो पार्ट है इसको इस तरह से लेना है। तो इसके साइड में से आपको 0.5 इंच का पॉइंट लगा देना है, क्योंकि इस साइड पे सिलाई होगा, जॉइंट होगा साइड से, लेकिन मिडिल में से कोई जॉइंट नहीं होगा। तो ये दोनों को इस तरह से बिल्कुल बराबर मिला के लेना है। उसके बाद यहाँ से स्टिच लगाना है। साइज़ कुछ भी हो लेकिन यहाँ से आपको 0.5 इंच ही रखना है। उसके बाद इसको स्टिच कर लेना है। और यहाँ से भी देखना है, इस साइड पे कैसे भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपका ये जो मिडल है मेन मिडल ही है। मैं ये 0.7 इंच का डांटे लगाऊंगी। आप चाहो तो मेजरमेंट लेके भी कर सकती हो। तो मैं दिखाती हूँ कितना ले रही हूँ। 0.7 यहाँ तक मैंने लिया, इतना तक। तो यहाँ से पहले थोड़ा पॉइंट दे देती हूँ चौक से। तो अभी इसको स्टिच कर लेती हूँ। दोनों साइड पर मैं सेम तरीके से स्टिच लगाऊँगी। तो देखिए ये कटोरी तैयार हो गया। अभी दूसरी साइड भी सेम तरीके से कर लेना। पहले पॉइंट लगाती हूँ, यहाँ से भी सेम तरीके से 0.5 ही छोड़ देना है पहले सिलाई के लिए, क्योंकि साइड पे जॉइंट होगा इसलिए छोड़ दिया। फिर बिल्कुल मिडल में से इसको इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद यहाँ से भी 0.7 इंच रख के डांट दे देना है। ये देखिए ये कटोरी बिल्कुल तैयार हो गया। अभी साइड का जो पार्ट है वो जॉइंट करना है इसके साथ। तो इस तरह से रखना है, ये बिल्कुल मिला के लेना है। पहले चेक करना है, उसके बाद ये स्टिच करना है। इस तरह से रखना है, बिल्कुल मिला के लेना है। यहाँ से मैं स्टिच लगाऊंगी। ये जो फैब्रिक है इसको इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है, फिर ये स्टिच लगाना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर से ये कटर तैयार हो गया, कहीं से भी छोटा नहीं हुआ। ये जो पार्ट है ये छोटा नहीं हुआ, बिल्कुल बराबर हुआ है। अभी दूसरी साइड भी सेम तरीके से स्टिच कर लेना है। इधर भी सेम तरीके से जो कटोरी का जॉइंट है ये ऊपर की तरफ रखना है, उसके बाद ये स्टिच लगाना है। तो ये देखिए इधर भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गया, कहीं से भी छोटा नहीं हुआ।
तो मेरा कटोरी का तैयार हो गया। अब ये जो नीचे का जो पार्ट है ये लगाना है, जो बेल्ट है बेल्ट लगाना है। इसको मैं बिल्कुल मिडल में से लगाऊंगी। पहले इसका मैं मिडल निकाल लूँगी, इस तरह से चौक से थोड़ा सा पॉइंट देना है। मैं चौक से पहले थोड़ा पॉइंट लगा दूँगी, इस तरह से मैंने पॉइंट दे दिया। पॉइंट देने के बाद ये दोनों साइड से लगभग हाफ इंच तक इसको फोल्ड करना है, इस तरह से बिल्कुल मिडल मिला के लेना है। फोल्ड करने के बाद इसको स्टिच लगाना है। तो पहले मिडिल में से थोड़ा पॉइंट लगाती हूँ, लगा दिया। अभी यहाँ पे कितना रखना है फैब्रिक, तो इसके मेजरमेंट लेती हूँ। इधर मैं 1.2 रखूँगी, 1.2 इतना तक रखूँगी, क्योंकि मुझे कटोरी थोड़ा छोटा छोटा चाहिए, इसलिए मैंने 1.2 पे लगाया। उसके बाद जो मिडिल का कटोरी का जो मिडिल है इसमें कितना रखना है, इधर मैं 3.3 इंच रखूँगी, 3.3। और इस साइड में 2.2 रखूँगी, क्योंकि इसमें कटोरी थोड़ा छोटा चाहिए। अगर आपको कटोरी का साइज़ थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो इससे भी ज़्यादा आप ले सकते हो, 2.5 भी दे सकते हो। मैंने 2.2 दिया। तभी साइड में कितना लेना है, तभी जो बैक पार्ट मैंने काट किया था बैक पार्ट को लेना है पहले। तो बैक पार्ट को मैंने इस तरह से लिया, ये है आर्म ऑफ साइड, तो इसको बिल्कुल सामने रखना है। इस तरह से सामने रखने के बाद दोनों पार्ट को मिला के देखना है कितना बराबर है। तो ये जो बेल्ट है इसको बिल्कुल मिला के लेना है, पहले थोड़ा फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद साइड से जॉइन करना है। आप चाहो तो ये जो मैंने बेल्ट 4 इंच का लिया ये आप 3.3 भी ले सकते हो। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया, क्योंकि मैं अंदर के ऊपर की तरफ इसको फोल्ड कर दूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया। तो यहाँ तक आ रहा है, ये देखो बिल्कुल बराबर मैंने मिला के दिया, देखिए पॉइंट दे दिया। अभी चेक करते हैं ऊपर कितना है, इधर 4.1 है, इतना तक है। तो यहाँ तक मुझे चाहिए। अभी इसको इस तरह से मिला के देना है, तो दोनों साइड पे सेम तरीके से लगा लेना है ये पॉइंट। तो अभी इसको स्टिच करना है। मैं बिल्कुल मिडिल में से लगाऊंगी, मिडिल में से लगाने से ये प्रॉब्लम नहीं होता है। इस तरह से दोनों साइड पे मैं स्टिच लगा दूंगी। तो यहाँ तक आने के बाद हमें दोबारा से चेक करना है जितना मैंने लिया ये बराबर से है या नहीं। अगर छोटा बड़ा होता है तब इसको बिल्कुल मिला के लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर है, अभी मैं इसको स्टिच लगा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस पे मैं और एक स्टिच लगा दूंगी बिल्कुल इस साइड से उस साइड तक। तो ये फ्रंट का पूरा तैयार हो गया। अभी साइड पे जो एक्स्ट्रा है, बेल्ट में जो एक्स्ट्रा है इसको काट कर लेना है। इस तरह से थ्रू टू फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद बिल्कुल बराबर मिला के इसको काट कर लेना है। यहाँ से मैं जो एक्स्ट्रा है इसको सीधा करके काट लूँगी। अभी बैक पार्ट तैयार करना है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये अभी मैं काट नहीं लगाऊँगी, ये बाद में फिटिंग करने के पहले काट लगाऊँगी। अभी इसके हिसाब से बैक पार्ट तैयार करना है। तो बैक पार्ट पहले डांट लगाना है, डांट आप कहीं से भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है हर वक्त इसको मेजरमेंट लेके ही देना है। आपको ध्यान में आपको सिर्फ ध्यान में रखना है ये जो नेक है, नेक के बीच में नहीं आना है, इसके साइड में रहना है। तो मैं 6 इंच पर लगा लूँगी, आप चाहे तो 6.5 से भी दे सकते हो। तो इसको ऊपर की तरफ मैं 4.5 इंच तक उठाऊंगी, और 1.5 इंच का ये डार्ट होगा। मैं दोनों साइड मिलके 1.5 इंच का ये डार्ट दिया। तो पहले इसको बिल्कुल मिल में से थोड़ा काट करके रखना है, तो बिल्कुल बराबर होगा दोनों साइड पे, नहीं तो कहीं से छोटा या ज़्यादा हो जाएगा। तभी इसको इस तरह से लेना है, फिर इसको स्टिच लगा लेना है।
अब ये जो बैक पार्ट है इसका बिल्कुल मिडिल में से काट लगाना है। आप चाहो तो इसको टू फोल्ड करके भी काट लगा सकते हो। तो ये काट लगा दिया मैंने। उसके बाद इस पर हुक पट्टी और आई पट्टी लगाना है दोनों साइड पे। इस साइड में आई पट्टी और इस साइड हुक पट्टी लगाऊंगा। तो ये है ऑन साइड, इसको इस तरह से रखना है। ये है हुक पट्टी और ये होगा आई पट्टी। इस तरह से आई पट्टी को अंदर की साइड से रखना है। ये मैंने पट्टी लगा लिया। अब इसको पहले कच्चा कर देना है, बाद में मैं इस पर तुपा लगा दूंगी। ये है हुक पट्टी, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है ऐसे। तो अभी ये है आई पट्टी, इसको ये जो जॉइंट है जो स्टिच दिखाई दे रहा है बिल्कुल इसमें यहाँ तक तो इसको रखना है ऐसे फोल्ड करना है। दोबारा से और एक फोल्ड करना है, फिर इसमें स्टिच लगा लेना है। ये हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको काट कर लेना है। ये जो पार्ट है दोनों पार्ट इस तरह से रहेगा बिल्कुल ऐसे। तो अभी बैक और फ्रंट का शोल्डर ज्वाइन करना है, बराबर मिला के ये शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। तो शोल्डर जॉइंट हो गया। अब इसमें पाइपिंग लगाऊंगी, इसमें मैं नेक पुट्टी नहीं लगाऊंगी, सिर्फ पाइपिंग लगाऊंगी। तो पाइपिंग लगाने के पहले ये जो मशीन है मशीन में से ये जो पुट है पुट को चेंज कर लेना है। इस पर सिंगल पुट लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है। सिंगल पुट लगाने से इसका फिनिशिंग अच्छा होता है। और ये पाइपिंग का सीधी साइड है, सीधी साइड को सीधी साइड के ऊपर रखना है और ये जो ऑफ साइड है इसको नीचे की तरफ रखना है इस तरह से। तो उसके पहले इस पर साइड में से थोड़ा पॉइंट लगा के देना है चौक से, तब दोनों साइड का बिल्कुल बराबर होगा ऐसे। इस पर मैं निशाना लगा दूंगी दोनों साइड पे, बराबर मिला के ये लेना है। तो अभी ये जो निशाना है बिल्कुल निशाना बराबर, इसको स्टिच लगाना है, थोड़ा सा छोड़ देना है अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए। उसके बाद इसको सीधी स्टिच लगाना है। और ये जो पाइपिंग है ये लगाते वक्त आपको ध्यान में रखना है, ये आपको खींचना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथ से इसको धीरे धीरे स्टिच लगाना है। ये जो डोरी पाइपिंग है ये किस तरह से बनाना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, ये जो पाइपिंग है इसमें थोड़ा सा भी खिंचाव नहीं रखना है, ना ब्लाउज की फैब्रिक में रखना है। जैसे नॉर्मली ये जाता है सेम तरीके से इसको स्टिच लगाना है, बहुत ही धीरे धीरे हल्के हाथ से लगाना है। तब देखिएगा आपका जो ये पाइपिंग है कितना सुंदर बनेगा। अभी इसमें क्या करना है, जो ब्लाउज का फैब्रिक है उसमें से हल्का हल्का काट लगाना है, लेकिन ध्यान में रखें आपको जो ये जो पाइपिंग है उस पर काट नहीं लगाना है, जैसे है बिल्कुल वैसे इसको रख देना है। देखिए ये जो पाइपिंग है बिल्कुल बराबर से हो गया, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है इसको फोल्ड करना है अंदर की तरफ, फोल्ड करके फिर स्टिच लगा लेना है।
तो इस तरह से पूरा पाइपिंग स्टिच कर लेना है। देखिए ये पाइपिंग पूरा मैंने लगा लिया। तो अभी इसमें क्या करना है, आस्तीन लगाना है, साइड पे फिटिंग्स देना है और कमर पट्टी लगाना है, जो नॉर्मली ब्लाउज पे होता है सेम तरीके से इसको स्टिच कर लेना है। तो मैंने ये ब्लाउज को पूरा कंप्लीट कर दिया। ये है इसका बैक साइड। देखिए ये जो पाइपिंग है कितना परफेक्टली ये हो गया। तो अभी मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। देखिए ये जो पाइपिंग है मैं कहीं से भी थोड़ा सा भी काट नहीं लगाया, जैसे मैंने स्टिच किया था बिल्कुल सेम तरीके से रख दिया। आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपका ये जो पाइपिंग है ये अगर परफेक्टली अगर आपका होगा तब इसको अंदर की साइड से कोई भी काट लगाने का ज़रूरी नहीं है। बिना काट लगा के अगर आपका ये जो पाइपिंग है ये परफेक्टली बैठ गया तब आपको सोचना है आपने जो पाइपिंग लगाई वो सही तरीके से लगाया। अगर अंदर की साइड से काट लगाना पड़ता है तब ये सोचना है आपको जो आपने पाइपिंग लगाई ये परफेक्टली नहीं हुआ, इसलिए अंदर की साइड से काट लगाया। इस तरह से अगर आप पाइपिंग लगाओगे तो आपको अंदर की साइड से पाइपिंग काट लगाने का कोई ज़रूरी नहीं होगा, मेरे तरह बिल्कुल परफेक्टली आप ये पाइपिंग बना पाओगे। तो अगर आपको मेरे आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।